देखिए अखिलेश जी का परिवार ही पाकिस्तान को अपना मित्र मानता है, इसीलिए तो आतंकवादी इनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, तमाम आतंकवादी घटनाएं होती हैं। यूपी चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच संग्राम छिड़ा है। अब इसमें चीन और पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है, ये कहकर घिरे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अब साधु और संतों ने भी निशाना साधा है। वहीं मौनी बाबा ने अखिलेश यादव को क्या कहा, आइए सुनते हैं। अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान बड़ा दुश्मन नहीं, इसके पहले उन्होंने जिन्ना को भी नायक बताया था आजादी का। देखिए अखिलेश जी का परिवार ही पाकिस्तान को अपना मित्र मानता है, इसीलिए तो आतंकवादी इनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, तमाम आतंकवादी घटनाएं होती हैं। कश्मीर के लोगों की निर्मम हत्या करने वाला, भारतवर्ष के सेनाओं को मारने वाला और भारत की सीमा में प्रवेश करके आतंकवादी आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान अगर अखिलेश जी का मित्र हो सकता है तो दुर्भाग्य है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसा बयान देकर के उन्होंने हिंदुस्तान के सम्मान को ठेस पहुँचाया है। यहाँ के मुसलमानों का वोट लेने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति की है। अब हिंदुस्तान का मुसलमान इतना तो पागल नहीं है कि ऐसे बयान देने पर वह उनको वोट दे देगा, क्योंकि यहां के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के बाद मरने के बाद उन्हें कब्र बनाने की जगह भी नहीं मिलती है। फिर पाकिस्तान को अपना मित्र बनाने वाला और हिंदुस्तान की बुराई करने वाला अखिलेश यादव जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, दुर्भाग्य है कि वह मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर बनेगा तो क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने वाला है, क्या हिंदुस्तान का बंटवारा करवाने वाला है। निश्चित रूप से संसद इसकी निंदा करता है और पाकिस्तान को मित्र आने वाले अखिलेश जी को ऐसी टिप्पणी करके देश का अपमान नहीं करना चाहिए। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।